बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वेट फेस पब्लिक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है और इस लेक्चर की सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। आज हमारी एक्सरसाइज 2.6 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इसके 3 पार्ट है। 1 पार्ट और 3 पार्ट एक जैसे हैं, 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वो मैं करने लगा हूं। तो जब 2 कर लेंगे तो 1 और 3 पार्ट जाना खुद ही आपको आ जाएगा। उसमें टर्म उसकी है 4x³ - 5x + 50 / x + 3। इसके बिगिन मेथड से हम नहीं करना सॉल्व, इससे हम जाना वो सिंथेटिक डिवीजन से हम सॉल्व करेंगे। क्या मालूम करना है? रिमाइंडर और क्वेश्चन। वैसे हम इसको डिवाइड करें ना, अगर तो डिवाइड करने के बाद जो नीचे बचता उसे रिमाइंडर बोलते हैं और जो ऊपर आंसर था उसे बोलते हैं क्वेश्चन, और ये जो जिससे डिवाइड करते उसे बोलते हैं डिवाइडर। लेकिन हमने डिवीजन मेथड नहीं, सिंथेटिक मेथड जो है ना वो यूज करेंगे। जी सिंथेटिक में इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में शो कर लेते हैं। ऐसे वो क्या है, 4x³। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, जो स्किप होगा उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन पार्ट 2 जाना इसका सिलेक्ट किया है, उसमें पार्ट 1 में और पार्ट 3 में जाना वो इसकी पावर जाना वो तरतीब से चलती है। इसमें गैप है, x³ के बाद x आ गया, x क्या लिया बीच में, बाकी सवालों में अरेंज तरतीब से ऐसा। इसमें क्या करेंगे हम, उसको हम अपनी तरफ से एक ऐड करके 0x² लिख देंगे, उसके बाद -5x, फिर +15। इस तरह हम करेंगे, जो स्किप होगा, अगर दो स्किप होंगे और दोनों की जगह प्लस के साथ लिखेंगे, अपनी तरफ से लिख देंगे, वो किसी को फर्क नहीं पड़ता। 0x² वही है, बस ये अरेंज करने के लिए हमने ऐसा किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब x+3 पे डिवाइड करना है, उसमें ऐसे लिखेंगे, पुट x+3 = 0, x = +3, उधर जाके -3। ये -3 हम लेंगे, इसको पुट करेंगे। दूसरा मेथड भी है, इसमें हम x+3 और x-1 के साथ बुक में एग्जांपल दिया, x-1 और x+3, उस तरह भी कर सकते हैं। यानी ऐसे उसने x-a = जो दिया हुआ x+3, ऐसे जब ऐसे करते तो -a x + x कैंसिल हो जाएंगे, -a = 3। अब a की वैल्यू मालूम करनी है तो -1 है, नीचे -1 तो a = -3 आए, ऐसे वो x = -3 है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं हम। अब ये हमारे पास इस रकम से हम डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन और रिमाइंडर हम लूम करेंगे। अब मैथड इसका यहां से शुरू करेंगे, कोएफिशिएंट सारे लिखेंगे हम इसके। सबसे पहले 4 के बाद 0, 0 के बाद -5, फिर 15, ये रकम जो हमारी -3, इससे -3 कम करेंगे ऐसे। या जो पहली टर्म है ये वैसी की वैसी हम लिख देंगे जो पहली होगी, इसका रूल है ये। अब नीचे जितनी भी रकमें आएंगी उनको सबको -3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाएंगे, पहली हमेशा ऐसी आ जाएगी। अब -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12, 0 के नीचे लिख देंगे -12। 0 -12 को जब सॉल्व करेंगे तो -12 ही आएगा, -12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 3 से 36 आएगा, 36 - 5, जब माइनस करेंगे बड़ी सा प्लस है, 31 आ जाएगा।
और जब लास्ट टर्म है ये, उससे पहले आप हमने ऐसे ना ब्रैकेट डाल देनी है, ये हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी उससे पहले हमने एक लाइन लगा देनी है ऐसे। अब ये 31 आया है, 31 को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से -3 3 आ गया, और 3 को 3 से 9, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आंसर आएगा। ये अब हम -93 में से 15 माइनस करेंगे, एक रकम माइनस की है एक प्लस की है, तो इसको जब हम करेंगे तो 13 में से 5 निकालेंगे 8 आ जाएगा, और 8 में से 1 निकालेंगे 7 आ जाएगा, बड़े सब माइनस। इसको दोबारा देख लें क्या है, सबसे पहले रिमाइंडर खाली आर में आर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूरा लिखा है, आर क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन ये क्वेश्चन मार्क, सिंथेटिक रीजन से मेथड से हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन में लिख देंगे, पीएक्स इक्वल टू रेंज करके लिखेंगे, जो स्किप होगा उसके साथ अगर यहाँ एक्स क्या लिखा होता है एक्स ना होता तो हमने प्लस 0x कर देना था, तो जिसके साथ जो पावर जो नहीं है उसके साथ 0 लिख के लगा देनी हमने, और जो रकम इधर होगी उसका अपोजिट जाना वो सिंबल लेंगे, अगर एक्स माइनस 3 होगा तो एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा, अब 3 की यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, अगर एक्स प्लस 2 होगा तो -2 से डिवाइड कर देंगे, अगर एक्स माइनस 2 होगा तो फिर 2 से, और अगर प्लस 2 होगा तो -2, इस तरह जैसे एक्स प्लस 3 था -3 से, तो पहली टर्म ऐसे ही आ जाएगी, उसको कुछ नहीं करना, -3 को 4 से -12 इनको सॉल्व किया, ये आ गया माइनस और माइनस प्लस, 3 को 12 से 36, 36 में 5 31, और 31 को -3 से -93, और 93 और 15 सॉल्व किया तो ये आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले जी अब पहले ये लिख देते हैं क्वेश्चन एक्स, ये मालूम करना है, आपने पावर देखनी है, सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें, एक्स क्यूब है, इससे एक पावर हम कम कर लेंगे, ये रूल है इक्वेशन लिखने का, एक पावर कम करेंगे जी, 4x क्यूब है यहां पे, हम एक पावर कम कर देंगे 4x के है -12x प्लस 31, ये क्वेश्चन आ गया, और रिमाइंडर रिमाइंडर में जो इस ये लाइन लगाई है उसके इधर जो भी रकम होगी वो रिमाइंडर होगा हमेशा, ये पहले 3 क्वेश्चन ऐसे करने हैं, क्वेश्चन भी बनाऊं कर लिया हमने और रिमाइंडर भी बनाऊं कर लिया, इसे गौर से देखें आप कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, -1 इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल 2x क्यूब प्लस 5hx -23, इसमें हमने करना क्या है जी, ये देखिए आप h की वैल्यू बनो कर लिया, h की वैल्यू हम इसे px 2x क्यूब x स्क्वायर के लिए तो हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं 0x स्क्वायर प्लस 5hx और -23। अब उसके बाद हम टू कोएफिशिएंट इसका 0 5h -23 लास्ट से पहले, फिर ये लाइन उसमें -1 इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल तो -1 से ही करेंगे, जब इस तरह दिया होगा तो -1 लेंगे हम, पहली टर्म ऐसे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बंदर 2 और -2 -2 प्लस 0 -2 ही आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, अब ये इसके साथ h है इसके साथ h नहीं है,
तो ये माइनस नहीं हो सकते, जो माइनस ना हो उसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी 5h माइनस 2 जी। क्या किया मैंने दोबारा देखिए, 205 माइनस 23, मैंने कहा था लास्ट से पहले हमने लाइन लगानी है, अभी माइनस वन है, माइनस वन तो माइनस वन को टू बनता टू, यानी पहले वैसे लिख देना तो माइनस टू आ गया, जीरो माइनस टू माइनस टू, माइनस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे जब सेम सिंबल हो तो माइनस टू माइनस प्लस टू बनता टू, तो प्लस टू आ जाएगा, और उसके बाद 5h प्लस टू। अब माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5h से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन को तो माइनस 5h, और प्लस टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, इधर माइनस 5h माइनस 23 और माइनस टू माइनस 25, सेम सिंबल हो तो प्लस करते हैं। अब ये लाइन से इस तरफ जो रकम होती है वो रिमाइंडर को शो करती है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 5h माइनस 25। माइनस वन इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, माइनस वन इज जीरो ऑफ पीएक्स, देयरफॉर आर इज इक्वल टू जीरो, जब यानी ये उसका जीरो है तो रिमाइंडर जीरो के इक्वल आएगा। नो, माइनस 5h माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 5h इज इक्वल टू माइनस 25 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस 25, और h इज इक्वल टू 25 और माइनस 5, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 5 5 20, जब एक सिंबल बचे वो नीचे हो या ऊपर हो तो दरमियान में लिखा जाता है हमेशा h की वैल्यू माइनस 5, h की वैल्यू निकालनी थी हमने तो इस तरह ही h की वैल्यू निकाली है, और गौर से देखें से आप। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, एल और एम की वैल्यू मालूम करनी है, एल और एम, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस एम, ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स मीन एक्स प्लस 3 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, फैक्टर का ये मतलब। जैसे मैंने आप ये सपोज आप देखिए, ये अगर 20 है, अगर 20 को मैं 3 पे डिवाइड करूं तो ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 6 18 रिमाइंडर 2 आ जाएगा, लेकिन जब किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, सपोज 2 से करें, 4 से करें, 5 से करें, अगर 4 से करता हूं 4 5 20 तो रिमाइंडर देखिए रिमाइंडर फिर 0 आता है, तो फैक्टर नहीं रिमाइंडर उसका 0 आएगा, तो इसमें भी ये दो फैक्टर बताया, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का रिमाइंडर 0 आएगा। हम सबसे पहले इसे पी एक्स लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एल एक्स और प्लस एम, और फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ पी एक्स कौन कौन से हैं, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस माइनस टू, ये दो फैक्टर है, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू। हम इसको सबसे पहले एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो करेंगे और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू टू। हम पहले माइनस थ्री ले लेते हैं, यहां करते हैं कोएफिशिएंट इसके लिख लेते हैं 1,
4 2 L or M? लास्ट टर्म से पहले ये जी पहला फैक्टर है इसके -3, पहली टर्म ऐसी आ जाएगी -3 को बाद से करेंगे -3 और 4 -3 1, -3 को बाद से करेंगे -3 2L -3, -3 को इससे मल्टीप्लाई किया -6L और -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया माइनस और माइनस प्लस 9, हमारे पास -6L प्लस M प्लस 9 ये गिवन में इशारा कर दे तो रिमाइंडर जो है वो 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6L प्लस M प्लस 9 इज इक्वल टू 0, -6L प्लस M इज इक्वल टू प्लस 9 उस तरफ जाएगा तो -9, ये एक इक्वेशन हमारे पास बनी। अभी इक्वेशन है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, हम उसे दोबारा लिखते हैं 1, 4 और 2L और M, कोएफिशिएंट वही उसी रखेंगे। अब इसका फैक्टर 2 है, ये वैसे लिख देंगे 2 को 1 से 2 6 आ जाएगा, 2 को 6 से 12 2L प्लस 12 आ जाएगा और 2 टू 4L और 2 को 12 से 24 4L प्लस M प्लस 24 गिवन में फिर हम रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है तो 4L प्लस M प्लस 24 इज इक्वल टू 0, 4L प्लस M माइनस 24 4L प्लस M इज इक्वल टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर लेते हैं, पहले 1 लिखता हूं मैं -6L प्लस M इज इक्वल टू -9 इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड इक्वेशन 4L प्लस M -24 नीचे लाइन लगा रहे थे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर तो ऐसे कैंसिल हो जाए तो ऐसे ही ठीक है, अगर नहीं देखते हैं कौन सा बराबर, ये बराबर हम साइन चेंज कर देते हैं, कंपैरिजन 1 और 2 माइनस माइनस और ये प्लस, प्लस M और माइनस M ये कैंसिल, -6 और प्लस 4 माइनस 10 M इज इक्वल टू -24 और प्लस 24, माइनस 9 और प्लस 24, 24 में से 9 माइनस करेंगे हम 15, L इज इक्वल टू 15 बाय माइनस 10, माइनस 10 मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड 5 के टेबल पे 5 3 और 5 2, L इज इक्वल टू -3/2, L की वैल्यू आ गई। अब उसकी M की वैल्यू निकालनी है, ये L की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 1 में या 2 में किसी एक में पुट कर लेते हैं, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन क्वेश्चन नंबर 1 में कर लेते हैं, वहां से इधर ले आता हूं मैं क्वेश्चन, ये वाला
बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब लिखने की जरूरत नहीं है, जगह कम है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन नंबर वन माइनस सिक्स, एल की वैल्यू माइनस थ्री ओवर टू प्लस एम इज इक्वल टू माइनस नाइन, टू अंदर टू और टू थ्री सिक्स, माइनस और माइनस प्लस नाइन, प्लस एम इज इक्वल टू माइनस नाइन, एम इज इक्वल टू माइनस नाइन, प्लस नाइन उधर जाकर माइनस नाइन, एम इज इक्वल टू माइनस एटीन। ये एल और एम की वैल्यू निकाल ली उधर, एल और ये एम, इसे गौर से देख लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्वीटवेज पब्लिक स्कूल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जब आप पुश करेंगे तो वहां पे आल की ऑप्शन आती है, तो आल को जाना वो जरूर क्लिक करें आप, ताकि आप इस लेक्चर की सीरीज से भरपूर अंदाज में फायदा उठा सकें। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंटिन्यू है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 ये मैं सॉल्व करने लगा। सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको, ये 2 रूट, इसको सॉल्व करना हमें। x क्यूब, इसके पीछे कोएफिशिएंट 1, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो उसका जीरो, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स माइनस 28 और लास्ट में 48। पूरी लगा रही है, यहां से शुरू कर लेंगे की बात है जी। टू, टू ये गिवन में है, टू इज द रूट ऑफ द, तो पहले मैंने कहा था जो टर्म होती है उसको एज इट जैसे है वैसे लिख देते हैं। ये अब जो इधर आया है इसको हर जो नीचे रकम आएगी रूट से मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे। टू वन द टू, टू में जीरो प्लस करें टू आ जाएगा। अब टू को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर, टू टू द फोर माइनस 28 और प्लस 4 बड़ी सब माइनस, माइनस 24, माइनस 24 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 48। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन का मैंने आपसे ये पहले भी बात हुई थी कि जब भी उसे कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन, बनाएंगे इक्वेशन, जब इक्वेशन बनाएंगे तो जो इधर पावर होती है उससे हमेशा एक डिग्री कम लेते हैं। अगर यहां क्यूब होगा तो एक्स के से शुरू करेंगे, और जहां फोर होगा तो एक्स क्यूब से शुरू करेंगे, एक डिग्री कम करनी होती है। ओके, पहले हम एज इट जैसे है वैसे ले लेते हैं, अब उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वन है तो इसका मतलब वन एक्स स्क्वायर, क्यूब है तो वन लिखते नहीं होते, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 24 और रिमाइंडर में यहां पे जीरो, वो जीरो आ गए। ये हमारे पास इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 24 और ये जीरो। अब इसको सोल्व करना हमने, इसको मिड टर्म पे करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का ये सवाल था कि फैक्टराइज, तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम, एक्स स्क्वायर वैसे लिखते हुए प्लस ये मिड टर्म है टू, टू की जगह मैं ब्रैकेट डाल देता हूं ऐसे, सात एक्स माइनस 24
मिड टर्म की मैंने टेक्निक आपको बताई थी, अगर यहां पे रकम नहीं है तो सिर्फ इसके फैक्टर बनेंगे 24 के, और अगर यहां भी रकम हो तो इस रकम को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके फैक्टर बनाएंगे। तो फिर अब दूसरी टेक्निक मैंने ये बताई थी कि इस तरह कभी भी आपके मिड टर्म के जो पेयर बनेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। उसका रूल क्या है कि लास्ट टर्म से पहले माइनस हो तो माइनस का पेयर, और लास्ट टर्म से पहले प्लस हो तो हमेशा प्लस का पेयर बनेगा। इस रूल को फॉलो करेंगे आपका ये फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होगा। कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं, प्लस किसी और जगह के साथ लगा देते हैं, माइनस किसी और जगह के साथ लगा देते हैं, इस तरह वो गलती रहती है। ये इस रूल से गलती नहीं होगी, लास्ट टर्म से पहले माइनस हो तो माइनस का पेयर, और लास्ट टर्म से पहले प्लस हो तो यहाँ प्लस का पेयर बनेगा। अब यहाँ माइनस है, माइनस का ऐसा पेयर बनाएंगे कि बड़ी में से छोटी रकम माइनस करें 2 आ जाए, लेकिन पहले 24 का फैक्टर बनाते हैं, 24 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 236 और 313, 1 2 3 4 5, ये 5 इसके आगे फैक्टर, इनको 2 में कन्वर्ट करना, हमें पेयर बनाना है। कौन सा पेयर बनेगा? माइनस का पेयर बनाना है, हमने लेके क्या आना है 2 लेके आना है, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 6 1 6 आया, ये दो अलग कर लेते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। ये है मेथड मिड टर्म ग्रेड करने का, 24 के फैक्टर बनाने थे, ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो यही है, और माइनस माइनस करें तो ये है। तो देखिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही आता है, और 6 में से 4 माइनस करें 2, तो यहां हम 6 माइनस 4 बड़ी में से पहले लिखेंगे, ये आ गया मिड टर्म। अब 2 को हमने ब्रेक करना था, ये मिड टर्म ब्रेक करना। अब ये यहां पे कर देता हूं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 के साथ भी 4 के साथ भी, तो प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे खुद खुद देखिए वो रकम ऐसी बन जाएगी, प्लस 6x माइनस 4x प्लस 2x, ये देख वो आ जाएगी खुद बहुत एडजस्ट हो जाता है। यहां से x कॉमन लेंगे, एक्स के में से x x प्लस x और x कैंसिल, 6 माइनस 4 कैंसिल x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, प्लस 4 6। अगर ब्रैकेट में सेम आ रही है पेयर तो समझ रहे आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। x माइनस 4 पहले लिख ली, x प्लस 6 एज यू लाइक, x माइनस 4 x प्लस 6, ये दो फैक्टर बने इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 0 x प्लस 6 0, बीच में कॉमा डाल देंगे, दोनों जीरो को कहें, x इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4, x एक ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू प्लस 6 है तो माइनस 6 एक ये आ, इसके रूट्स तो बनेंगे, सॉल्यूशन रूट्स खाली लिख सकते हैं हम, रूट्स एक तो गिवन रूट था, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, 2 वो भी लिखेंगे हम यहां, एक 2 है और एक 4 आ गया और एक माइनस 6 आ गया, ये इसके रूट्स है 2 4 माइनस 6। ये आंसर इसे गौर से देखें हम कैसे सॉल्व किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 एंड माइनस 4। अभी जो क्वेश्चन किया हमने उसमें सिर्फ एक रूट दिया था, अब दो रूट दिए हुए हैं, दो रूट्स, इफ 3 एंड माइनस 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम
सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं, x की पावर 4 के पीछे कोएफिशिएंट 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद -13, -13 के बाद -14, -14 के बाद 24, पहला रूट हम 3 ले लेते हैं और पहली टर्म ऐसी आ जाएगी, 3 को 1 से मल्टीप्ले करेंगे, 3 1 3, 2 में 3 5, 3 को 5 से मल्टीप्ले करेंगे 15, -13 प्लस 15 बड़ी सा प्लस है 2 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्ले करेंगे 6, -14 प्लस 6 -8 आ जाएगा, बड़ी सा माइनस है, -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, 0 आ गया जी यहां पे। अब इसका एक मेथड ये है कि हम अब इसके पहले इक्वेशन लिखें, एक ये मेथड है, पहला क्या है x की पावर 4, तो यहां पे x क्यूब आ जाएगा, अगर इक्वेशन बनाएंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, हम आगे जब करेंगे तो इस तरह ये x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 2x और आगे माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह ये इक्वेशन बनेंगे। लेकिन हम ऐसा करते हैं, ये लेंथी मेथड है, हम शॉर्टकट मेथड में आते हैं, उसमें ये है दूसरा रूट ले लेते हैं, दूसरा रूट है माइनस 4 वो लिख देते हैं हम, माइनस 4 पहले ऐसी 1 वैसे आ जाएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ गया, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से पहले हम जो भी लास्ट टर्म होगी उससे पहले हम ये लिखें जी, माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो माइनस प्लस 4 टू द 8 प्लस 8 प्लस लिखे या ना लिखे, माइनस 8 प्लस 8 0 आ। अब हमने ये डबल फंक्शन किया, हमने एक दफा 3 के साथ एक दफा 4 के साथ, यहां पर डबल अब नीचे गए हैं, जब डबल नीचे गए हैं इससे भी हम डिग्री भी डबल कम कर रहे हैं, क्योंकि दो दफा प्रोसेस किया ना, एक ये है एक्स क्यूब आ जाएगा, जब एक्स क्यूब लेंगे हम जब उसको हम कोएफिशिएंट लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बनेगी। जब डबल प्रोसेस करना है डिग्री भी डबल काम कर लेंगे, ये आपने याद रखना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ गए, अब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स के पीछे 1 है, 1 की जगह मैं ब्रैकेट डाल दूंगा, साथ एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पे क्योंकि कोई टर्म नहीं है तो 2 का फैक्टर बनाएंगे, 2 वन द 2 एक ही फैक्टर बनता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, लास्ट टर्म से पहले माइनस है, माइनस का पेयर बनेगा 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम जब इसे सोल्व करेंगे प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस एक्स आएगा, प्लस एक्स खुद एडजस्ट हो जाता है वो पेयर, यहां से एक्स कॉमन है, एक्स को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकलेगा एक्स प्लस एक्स और एक्स कैंसिल 2 आ जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस, जब कुछ कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है, 1 और 1 कैंसिल एक्स, बाहर माइनस हो अंदर का साइन चेंज, प्लस 2
इज इक्वल टू जीरो, चाहे पहले ये लिख ले चाहे पहले ये लिख ले, एक्स प्लस टू देखते सेम हो गए, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कॉमा एक्स माइनस वन है, एक्स इज इक्वल माइनस वन उस तरफ जाएगी प्लस वन हो जाएगा, रूट्स चाहे पहले ये लिख ले या चाहे पहले ये लिख ले, आगे पीछे जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले जो दिया हुआ था थ्री माइनस फोर माइनस टू और वन, ये फोर रूट्स आ गए इसके, इसे गौर से देखें कैसे मैंने सॉल्व किया है।